स्टूडेंट्स आई एम यहाँ पर पास आई होप यू आर फाइन। टुडे स्टार्ट नाइन्थ क्लास मैथ यूनिट टू स्टार्ट किया होता है। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले दो कंसेप्चुअल लेक्चर पढ़ाए थे जिसमें हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड फॉर इक्वेलिटी इन इक्वेलिटी। तो इस लेक्चर से पहले आपने वो लेक्चर लास्ट भी देखने हैं तो फिर आपको एक्सरसाइज 2.2 आईडी की शॉर्ट आती होती है, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें सिर्फ आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, आप उनके नाम लिखने हैं कि ये जो वैल्यूज है किन प्रॉपर्टीज के तहत लिखी गई हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.2 का हमारे पास आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग केस। किन केसेस में आपको आइडेंटिफाई करना प्रॉपर्टी। पहला जो है आप अपना देखें a + b = b + c। तो आपने पढ़ा हुआ है कौन सी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। प्लस का साइन मैंने लगाया हुआ है किसके विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो सिर्फ आपने नाम लिख दिया लेकिन ये तभी आप लिख सकेंगे जब आपको प्रॉपर्टीज का पता हो। सेकंड अगर आप देखें हमारे पास है ab * c a * bc। तो ये नजर आ रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी मैंने क्रॉस का साइन मल्टीप्लाई का साइन लगाया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। थर्ड अगर आप देखें 781 आपको पता है 1 जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। उसके बाद x ग्रेटर देन 1 y या x इक्वल टू y या x लेस देन y। तो ये आपको पता है प्राइम डोमेन प्रॉपर्टी यूज होती है इक्वालिटी के हिसाब से। उसके बाद ab = ba। तो जैसे a + bb + c था ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 6 वाला अगर आप देखें तो a + c b + c इक्वल टू a प्राइम प्लस b। c c से कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसलिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी मिल गई कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन प्लस का मीन ऑफ एडिशन। 7 वाला 5 + 5 आपको पता है कि अगर ऐसी वैल्यू ऐड करें जिससे आंसर 0 आए तो वो क्या होता है एडिटिव इनवर्स। इसी तरह 1 और 7 और 1 और 7 इसका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। a ग्रेटर देन b ac और ac ग्रेटर देन bc c ग्रेटर देन 0। जब c ग्रेटर देन 0 लास्ट प्रॉपर्टी हमें पता है कौन सी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। दोनों साइड c से मल्टीप्लाई करें और उसका c पॉजिटिव हो साइन में कोई फर्क नहीं आता तो ये कौन सी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा जिसमें हमने क्या क्लॉज लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय इलस्ट्रेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। कि जो फिलिंग दी ब्लैंक्स उसने दी हुई है 1 2 3 के लिहाज से वैल्यूज के आगे वो आपने फिल करना है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज के। तो आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए फर्स्ट पार्ट हमारे पास 3x + 3y - x इसमें मल्टीप्लाई किया 3y - 3x की कौन सी प्रॉपर्टी यूज की यहां पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सबट्रैक्शन। अब सेकंड हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है 3x + 3y - 3x। तो 3x - 3x को लेकर के लिए प्लस 3 है तो ये आपको पता है 1 + 1 - 3 कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह अब थर्ड हमारे पास पार्ट ई है तो उसने अगर आप देखिए हमारे पास 3x - 3x + 3 ये कैंसिल आउट हो गए तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स की। 3x + है माइनस ये आपको पता है एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं ये तो हमारे पास फोर्थ पार्ट आ गया 0 + 3 है तो इसकी मीनिंग जो नेक्स्ट है 0 ऐड हुआ इसके साथ तो आपको पता है 0 कौन सा होता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ है जैसे आपको नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है बेटा। जैसे इसमें क्या कहा उसने कि गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी कि आपने नेम लिखने हैं प्रॉपर्टी के कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। पहला अगर आप देखिए 24 + 0 = 24 आपको पता है एडिटिव आइडेंटिटी है क्योंकि 0 ऐड हो रहा है। उसके बाद देखिए -4 3 * 5 + 7 = 2 अगर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी क्या है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन जो प्लस से सेंटर में तो ओवर एडिशन। सेकंड देखिए आप थर्ड पाई प्लस माइनस पाई ये दो देखिए कौन से इनवर्स है एडिटिव इनवर्स। और √2 √3 अगर आप इसका आंसर देखें तो वो कहता है एक रियल नंबर तो ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए आंसर क्लियर प्रॉपर्टी। जैसे a + b और a + b आंसर क्या आएगा रियल नंबर। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करें आंसर रियल नंबर आएगा तो इट्स क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद फिर पार्ट है हमारा -5 और 8 - 8 ये दूसरे के इनवर्स है लेकिन कौन से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्योंकि आंसर 1 आ रहा है। तो ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2 जो हमने कंप्लीट की एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन फिर मैं आपको कहूंगा एक्सरसाइज तब आपको समझ आएगी ये तब आपको याद आएगी जब आप पिछले दोनों लेक्चर्स जो हैं प्रॉपर्टीज के विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड इक्वालिटी